अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे डोनट केक। सबसे पहले हम 3 अंडे लेके उनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो दोस्तों, अंडों को हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लिए। अब हम इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे, 1/2 कप इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। और 1 टीस्पून हम वनीला एसेंस डाल देंगे और इन सब को 2 मिनट तक मज़ीद बीट कर लेंगे। अब 1/2 कप इसमें हम दूध डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम 2 कप मैदा ले लेंगे। और इसमें 2 टेबलस्पून हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे। और 2 टेबलस्पून हम कोको पाउडर डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को हम 2 बार छान लेंगे। अब इनको हम अंडों वाले मिक्सचर में डाल देंगे और इनको हाथ से मिक्स कर लेंगे। बीटर का इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों, सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है और ये केक का बैटर तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, बहुत पतला भी ना हो। अब सांचे पे हम कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और उस पे मैदा छिड़क देंगे। तो दोस्तों, सांचे में हमने ऑयल लगा के मैदा छिड़क दी है। अब हम इसमें केक वाला बैटर डाल देंगे। तो दोस्तों, देखिए को हमने पहले से गर्म कर लिया है। इसमें एक स्टैंड रख के उसके ऊपर पतरा रख दिया था। अब इसमें हम केक को बेक करेंगे और केक को 45 मिनट्स तक बेक करना है और आंच को बिल्कुल हल्का रखना है। तो दोस्तों, ये केक हमारा बेक हो चुके हैं।
अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब केक पे लगाने के लिए हम चॉकलेट तैयार करेंगे। इसके लिए हम 1 कप हार्ड चॉकलेट ले लेंगे। हाफ कप इसमें दूध डाल देंगे। और 3 टेबलस्पून हम इसमें चीनी डाल देंगे। और इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। दोस्तों, ये चॉकलेट पिघल चुकी है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून कोको पाउडर भी मिला देंगे और इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी केक पे लगाने के लिए चॉकलेट तैयार हो चुकी है। अब इसको हम केक के ऊपर डाल देंगे। तो दोस्तों, ये केक के ऊपर हमने सारी चॉकलेट डाल दी है। अब केक को हम दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे, इसमें से एक्स्ट्रा चॉकलेट हटा देंगे। अब आखिर में हम इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकल्स डाल देंगे, या आप जैसे डेकोरेट करना चाहें। तो दोस्तों, ये हमारा डोनट केक तैयार है। अगर रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।